हाय, आई एम डॉक्टर उर्विशा, क्लिनिकल फिजियोथेरापिस्ट। आज हम टेक्स्ट नेक के बारे में बातें करेंगे। टेक्स्ट नेक कैसे होता है और उसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, इसके बारे में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। जब आप बैड पोस्चर में एक्सेसिव टेक्सिंग या मोबाइल का यूज करते हो तो आपकी नेक पर स्ट्रेस आता है। तो ऐसे ही बार बार आने वाले स्ट्रेस की वजह से आपको टेक्स्ट नेक सिंड्रोम हो सकता है। अब जानेंगे टेक्स्ट नेक के लक्षण कौन कौन से होते हैं। टेक्स्ट नेक की वजह से नेक, अपर बैक और शोल्डर्स में पेन होता है। टेक्स्ट नेक की वजह से आपका पोस्चर फॉरवर्ड नेक पोस्चर और आपके शोल्डर्स राउंडेड होने की प्रॉब्लम्स हो सकती है। टेक्स्ट नेक के कारण हेडेक होना, अपर बैक, नेक, शोल्डर्स की मोबिलिटी कम हो जाना, नेक फ्लेक्शन करने में पेन होना जैसे प्रॉब्लम्स होते हैं। अब बात करेंगे कुछ एक्सरसाइजेस के बारे में जिसको करने से आपको टेक्स्ट नेक की वजह से होने वाले पेन को कम करने में हेल्प मिलेगी। इस एक्सरसाइज को करने के लिए एक चेयर पर बैठ जाइए। अब सिर को पीछे ले जाइए और दोनों हाथों को पीछे की तरफ इस तरह स्ट्रेच कीजिए। अब इस स्थिति को 20 से 30 सेकंड्स होल्ड करके रखिए, फिर रिलैक्स हो जाइए। इस तरह इस एक्सरसाइज को 3 से 5 बार रिपीट कीजिए। इस एक्सरसाइज को करने से शोल्डर्स, अपर बैक और नेक के मसल स्ट्रेच होते हैं, जिसकी वजह से आपको शोल्डर्स, अपर बैक और नेक में होने वाले पेन को कम करने में हेल्प मिलती है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए एक चेयर पर बैठ जाइए। अब अपने हेड को न्यूट्रल पोजीशन में रखिए, फिर अपनी चिन को पुल कीजिए। अब इस स्थिति को 5 सेकंड्स होल्ड करके रखिए, फिर रिलैक्स हो जाइए। इस तरह इस एक्सरसाइज को 8 से 10 बार रिपीट कीजिए। इस एक्सरसाइज को करने से नेक के मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है और नेक पेन को कम करने में हेल्प मिलती है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए एक चेयर पर बैठ जाइए। अब अपने एक हाथ से चेयर को पकड़ लीजिए। अब दूसरे हाथ से अपने सिर को इस तरह से टिल्ट कीजिए। अब इस स्थिति को 20 से 30 सेकंड्स होल्ड करके रखिए, फिर रिलैक्स हो जाइए। इस तरह इस एक्सरसाइज को 3 से 5 बार रिपीट कीजिए। इस एक्सरसाइज को करने से नेक पर आने वाले तनाव को कम करने में हेल्प मिलती है, शोल्डर्स की मोबिलिटी इम्प्रूव होती है और पोस्चर को इम्प्रूव करने में भी हेल्प मिलती है। सो फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो में मोबाइल का लगातार यूज करने से या टेक्सिंग करने से आपको टेक्स्ट नेक सिंड्रोम हो सकता है इसके बारे में जाना, और हमने यह भी जाना कि टेक्स्ट नेक पेन को कम करने के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइजेस हेल्पफुल रहेगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। थैंक यू।